हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी एक और न्यू और शानदार वीडियो को लेके, जहाँ पे गाइस मैं आपसे लोग लेके आऊँ टॉप 5 बेस्ट क्रिकेट गेम्स फॉर पीसी। एंड हाँ, यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो गेम्स हैं ना यार पीसी के लिए हैं। एंड जो ये सोच के आए कि जो गेम्स हैं मोबाइल डिवाइस के लिए हैं, तो यार वो इस वीडियो को अभी लीव कर दें, क्योंकि इसके बाद जो है ना ये वीडियो उन लोग के किसी काम का नहीं होने वाला। एंड आई प्रॉमिस यार, इन गेम्स को खेलने के बाद ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। एंड इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि यार आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो इन गेम्स को। अगर आप एक बार डाउनलोड करते हो तो आप लोग जो है इन्जॉय ज़रूर करोगे। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं देखने के लिए टॉप 5 बेस्ट क्रिकेट गेम्स फॉर पीसी? बट उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पे आई गए हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो आप लोग को पसंद आने वाली है। एंड यार अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोस डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा 5वें नंबर पे गेम आता है उसका नेम है क्रिकेट कैप्टन 2019। तो भाई बात करें इस गेम की, तो ये जो गेम है ना काफ़ी ज़्यादा मस्त है। एंड हाँ गाइस, इस गेम की ग्राफिक्स आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मस्त मिलने वाली है। अगर आप इसके साइज़ से कंपेयर करोगे ना, एंड उसके बाद आप इस गेम की ग्राफिक्स देखोगे, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे खुश हो जाने वाले हो। एंड हाँ, मेरी ऑडियंस यहाँ पे जितनी भी ना, वो मुझसे यही एक्सपेक्ट करती कि मैं उन्हें चाहे जैसा भी गेम लेके जाऊँ, छोटा हो या बड़ा साइज़ में, बट यार उसकी जो ग्राफिक्स होनी चाहिए ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी यार एक गेम को खेलने में मज़ा आती है, वरना आप लोग यहाँ पे बोर फील करने लगते हो। तो भाई बात करें इस गेम की, तो भाई इस गेम में आप लोग को काफ़ी सारे मोड्स मिलते हैं खेलने के लिए, काफ़ी सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। आई मीन आप लोग काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, खुद से प्लेयर के नेम चेंज कर सकते हो, जर्सी चेंज कर सकते हो, आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे गाइस आप लोग को टूर्नामेंट्स खेलने के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो यार आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो अगर आप इस गेम को डाउनलोड करके प्ले करते हो। भाई बात करें ये गेम किन के लिए, भाई ये गेम उनके लिए है जिनके पास अच्छा पीसी नहीं है, वो जो है इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं कि इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो गाइस यहाँ पे जो आपका OS होना चाहिए वो विंडोज 7 SP1 या फिर उससे ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे गाइस जो आप लोग प्रोसेसर यूज़ करने वाले हो होना चाहिए इंटेल कोर 2 डुओ T5 2000 या फिर उससे ऊपर का है तो और अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो आपकी मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है वो है गाइस यहाँ पे 2GB। एंड ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आप लोग जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो AMD Radeon SD 2600 XT। एंड यहाँ पे DirectX की बात करें तो आप लोग का वर्जन 11 का होना चाहिए। एंड फाइल साइज की बात करें तो यहाँ पे 250 MB आपके पास स्पेस होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आप ज़रूर इस गेम के साथ जा सकते हैं, इस गेम को अपने PC पे प्ले कर सकते हैं। एंड मुझे क्या लगता है यार कि इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आप लोगों के पास होंगी, तो आप लोग ज़रूर इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हम लोग अपनी लिस्ट में आगे की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर पे गेम निकल के आता है उसका नेम है बिग बैश बूम। एंड इस गेम के जो डेवलपर हैं वो हैं बिग एंड स्टूडियोज़। तो आप समझ ही सकते हो कि ये गेम कैसा होने वाला है। भाई बात करें इस गेम की, तो इस गेम की ग्राफिक्स आप लोग को बहुत ही कूल मिलने वाली है। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्जॉय करने वाले हो अगर आप इस गेम को प्ले करोगे। अब भाई बात कर लेते हैं इस गेम में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एक बहुत ही बड़े वाले फ़ैन हो बिग बैश लीग के, आप लोग को बिग बैश लीग देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग डेफिनेटली यार इस गेम के साथ जा सकते हो, क्योंकि इस गेम में आप लोग को सिर्फ बिग बैश लीग ही देखने को मिलेगी, फिर वो चाहे मेंस की हो या वुमेंस की, आप लोग को सेम वही सारी टीम्स मिलने वाली हैं जो कि आप लोग बिग बैश लीग में देखते हो, वो फिर चाहे मेंस की हो या वुमेंस की। भाई बात करते हैं इस गेम में हमें और क्या क्या मस्त चीज़ें मिलती है। गाइस यहाँ पे जब आप शॉट मारोगे ना, एंड जो बॉल से एनिमेशन निकल के आता है, भाई क्या कूल लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। एंड जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो उसके बाद जब आप विकेट लेते हो, एंड भाई क्या ही एनिमेशन निकल के आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो आप इस गेम को। अब भाई बात कर लेते हैं इस गेम को चलाने के लिए आपके पास क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे जो आपका OS होना चाहिए वो विंडोज 7 x64 bit का होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा का है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे प्रोसेसर जो आप लोग यहाँ पे मिनिमम यूज़ कर सकते हो वो हो सकता है इंटेल कोर i3 3210 या फिर AMD एथलोन 2nd x4 555 का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उससे हायर है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे जो आपकी मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है वो है गाइस यहाँ पे 4GB या फिर इससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड यार आपके लिए, अच्छी बात है। एंड यहाँ पे बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए Radeon HD 6670 या फिर आप यूज़ कर सकते हो NVIDIA GeForce GT 710 विद मिनिमम 2GB मेमोरी। यहाँ पे जो आपके पास DirectX होना चाहिए वो वर्जन 11 का होना चाहिए। एंड स्टोरेज यहाँ पे आपके पास 9GB या फिर उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को कंट्रोलर्स की भी रिक्वायरमेंट है एंड उसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग समझ गए हो कि ये जो गेम है यार टोटली ऑनलाइन रहने वाला है। तो अगर आपके पास ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं तो आप लोग डेफिनेटली यार मैं क्या बोलूँ, आप लोग इस गेम को ट्राई ज़रूर करना, आप लोग बिल्कुल यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। तो अगर आपके पास ये सब रिक्वायरमेंट है तो जाके यार इस गेम को ट्राई करो। एंड इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ कि जो गेम है ना आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
बाकी भाई हम लोग बढ़ते हैं अपने लिस्ट में आगे की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा तीसरे नंबर पे गेम निकल के आता है उसका नेम है डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17। तो भाई बात करें इस गेम की, तो भाई इस गेम के बारे में तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड काफ़ी सारे लोगों ने तो इसको खेल भी चुके होंगे जिनके पास अच्छे पीसी हैं एंड वो बहुत ही बड़े वाले क्रिकेट के फ़ैन हैं, तो उन लोगों ने डेफिनेटली इस गेम को ट्राई किया होगा। बट जिन्होंने अभी तक इस गेम को ट्राई नहीं किया है तो यार बता दूं उनको कि वो लोग बहुत ही तगड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं क्योंकि ये गेम बहुत ही मस्त है एंड डेफिनेटली आप लोग को जो है ना ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि गाइस इस गेम में आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग खेल सकते हो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप एंड उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आप लोग को IPL भी खेलने का मौका मिलने वाला है। तो अगर आप एक बहुत ही बड़े वाले फ़ैन हो IPL के एंड मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें IPL देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले फ़ैन हैं IPL के एंड वो चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा गेम मिले जिसमें वो लोग IPL एंजॉय कर सकें, तो डेफिनेटली ये गेम आप लोग की वो सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो गाइस अगर आप लोग इस गेम को ट्राई करना चाहते हो एंड आप लोग IPL खेलना चाहते हो तो आप लोग जो है इस गेम के साथ जा सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं गाइस इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो गाइस यहाँ पे जो आपको OS होना चाहिए वो होना चाहिए विंडोज 764 bit, यहाँ पे उससे ज़्यादा क्या था। और अच्छी बात है यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो वही सेम जो आप लोग को बिग बैश बू में बताया था, इंटेल कोर i3-3210MD एथलॉन सेकंड X4555 का होना चाहिए। रैम की बात करें तो गाइस आपके पास मिनिमम 4GB रैम होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो रेडॉन HD 6670 या फिर आप यूज़ कर सकते हो NVIDIA G4 GT 710 विद मिनिमम 1GB मेमोरी। डाटा एक्स की बात करें तो गाइस आप लोग पास वर्जन 11 का होना चाहिए। स्टोरेज यहाँ पे गाइस आप लोग 11GB की ज़रूरत पड़ेगी एंड यहाँ पे भी गाइस आप लोग को कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट है एंड उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आप लोग पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। तो गाइस आप लोग के पास ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि गाइस ये गेम ना आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है जिनको देखकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाने वाले हो। तो गाइस अगर आप लोग के पास ये रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम के साथ जा सकते हो। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में आगे की तरफ। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो दूसरे नंबर पे गेम निकल के आता है उसका नेम है एशेस क्रिकेट। भाई बात करें इस गेम की तो इस गेम के भी जो डेवलपर हैं वो है बिग एंड स्टूडियोज़। भाई बात करें इस गेम की तो आप लोग को ये गेम ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस गेम की ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे बोर फील नहीं करोगे, इवन आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो अगर आपने इस गेम को डाउनलोड किया एंड प्ले किया। अगर गाइस मैं समझता हूँ आप लोग के पास एक अच्छा खासा पीसी है तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम को डाउनलोड करिएगा एंड आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाले हो जब आप इस गेम को खेलोगे। भाई बात करें इस गेम में आप लोग को और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यार इसमें ना आप लोग का पिंक बॉल टेस्ट मैच भी होने वाला है, तो यार इससे ज़्यादा खुशी वाली बात और क्या हो सकती है। एंड उसके साथ साथ गाइस हम लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेलने को मौका मिलता है, फॉर एग्जांपल T20 वर्ल्ड कप एंड काफ़ी सारे ऐसे टूर्नामेंट्स आप लोग को यहाँ खेलने को मिलते हैं जिनका आप लोगों ने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। एंड उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आप लोग को IPL खेलने का भी मौका मिलेगा इस गेम में, तो यार और क्या ही चाहिए। यहाँ पे मुझे पता है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें IPL देखना पसंद है एंड वो इस समय यही ढूंढ रहे हैं कि उन्हें ऐसे गेम्स मिले जिनमें वो लोग IPL खेल सकें, तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम के साथ जा सकते हैं क्योंकि इस गेम में आप लोग को IPL खेलने का मौका भी मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा गेम है ये। अब भाई बात कर लेते हैं इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो गाइस यहाँ पे आपकी जो रैम होनी चाहिए वो मिनिमम 4GB होनी चाहिए एंड जो ग्राफिक कार्ड आप यहाँ यूज़ कर सकते हो वो होना चाहिए रेडॉन HD 6670। CPU जो आप यूज़ कर सकते हो वो होना चाहिए इंटेल कोर i3-3210 एंड जो फाइल का साइज़ है गाइस वो है 12GB एंड यहाँ पे जो आप OS यूज़ करने वाले हो वो होना चाहिए विंडोज 764 bit या फिर उससे ज़्यादा का है तो और अच्छी बात है। बाकी गाइस अगर आपके पास ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हैं तो आप लोग ज़रूर इस गेम को ट्राई करना क्योंकि गाइस इसमें तो आप लोग को कंट्रोलर्स की भी ज़रूरत नहीं है एंड इंटरनेट की कनेक्शन भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप लोग डेफिनेटली यार इस गेम को खेल सकते हो एंड ये गेम ना आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अगर आप खेलना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम को खेल सकते हो क्योंकि ये गेम आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। बाकी भाई बढ़ते हैं अपने लिस्ट में आगे की तरफ। बट यार नंबर वन गेम में बढ़ने से पहले हम आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यार अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक करो एंड चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। तो चले भाई डाल लेते हैं नज़र अपने पहले नंबर वाले गेम की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा पहले नंबर पे गेम निकल के आता है उसका नेम है क्रिकेट 19। अब भाई इस गेम की मैं बिल्कुल यहाँ पे तारीफ नहीं करने वाला क्योंकि ये जो गेम है ना वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट गेम फॉर PC है एंड यार मैं सच बता रहा हूँ जितने भी अभी तक आप लोग को मैंने पीछे गेम्स बताए ना चारों के चारों, अगर आप लोग के पास अभी मैं रिक्वायरमेंट बताऊँगा एंड वो रिक्वायरमेंट अगर आप लोग के पास फुलफ़िल हो
तो आप लोग जो है ना सारे पीछे वाले गेम्स को भूल जाना एंड सिर्फ इसको ट्राई करना एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाने वाले हो, क्योंकि ये जो गेम है ना इसको यार जो अपने प्लेयर्स हैं ना क्रिकेट प्लेयर्स वो भी इसको खेलते हैं, इतना ज़्यादा ऑसम ये गेम है। एंड इसकी टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो कि इसमें आप लोग को आईपीएल खेलने को मिलेगा या नहीं, इसमें आप लोग को हर चीज़ खेलने को मिलेगी एंड आप लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो, क्योंकि ग्राफिक्स इस गेम की इतनी कूल है ना, मैं इसकी कुछ तारीफ़ नहीं करने वाला, जब आप खुद ही खेलोगे ना आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। बाकी भाई अब हम लोग नज़र डाल लेते हैं इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो आपका सीपीयू होना चाहिए वो होना चाहिए इंटेल कोर i3-3210 या फिर आप यूज़ कर सकते हो एमडी एथलॉन सेकंड x4555। सीपीयू की स्पीड भी जो होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए। रैम जो आप यहाँ मिनिमम यूज़ कर सकते हो वो होनी चाहिए 4GB, उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब भाई बात करें OS की, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो विंडोज़ 7 64 bit या फिर उससे ज़्यादा का है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो रेडॉन HD 6670 या फिर आप यूज़ कर सकते हो NVIDIA G4 GT 710 विद मिनिमम 2GB मेमोरी। पिक्सल शेडर की बात करें तो गाइस आपके पास होना चाहिए 5.0 का। वर्टेक्स शेडर की बात करें गाइस यहाँ पे तो आपके पास होना चाहिए 5.0 का। एंड आप गाइस बात करें स्टोरेज की, तो गाइस आप लोग के पास होनी चाहिए 25GB स्टोरेज एंड यहाँ पे जो डेडिकेटेड वीडियो रैम है वो गाइस है यहाँ पे 2GB। तो गाइस ये हैं इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो गाइस अगर ये सब रिक्वायरमेंट आप सभी लोग के पास फुलफिल हो रही हैं तो डेफिनेटली आप इस गेम के साथ जा सकते हैं, ये गेम आप लोग को निराश बिल्कुल नहीं करेगा एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे इस गेम को खेलने के बाद। तो गाइस यही थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट PC गेम्स। तो गाइस अगर इन गेम्स में से आप लोग को कोई भी एक गेम पसंद आया हो ना तो वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं आगे लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये गेम्स आप लोग को कैसे लगे हैं। बाकी भाई आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।